प्रकट हो प्रकाश, और प्रकाश उदित हुआ। प्रकाश शुभ था, और फिर प्रकाश अंधकार से अलग हुआ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय वैदिक शास्त्र में गायत्री मंत्र आवाहन करता है सूर्य की शक्ति और दीप्ति का, संपूर्ण भूलौकिक जीवन को ऊर्जित करने के लिए। प्रकाश कितनी चमत्कारी चीज है, जो हर चीज को दृष्टि अवलोकित करता है, जो सुंदर सृष्टि को दृष्टिमय बनाता है। प्रकाश जो हमारे धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में एक उच्च स्थान रखता है, ऐसे शब्दों से जैसे तेजोवलय, आत्मिक प्रकाश और दिव्य तेज। प्रकाश जो समन्वित और दृष्टांत किया जाता है हर अच्छाई से, शुद्धता से, विवेक से। प्रकाश अगर सोचे तो एक आम दृश्य लगता है, हमारे इतने करीब। सूर्योदय के साथ पूर्ण संसार प्रकाशमय हो उठता है, और सूर्यास्त के बाद एक बटन दबाते ही हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। किंतु प्रकाश को अगर समझे तो कितना कठिन है, कितना रहस्यमय। हम उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते, ना ही उसे दूर भगा सकते हैं। तो क्या है ये प्रकाश? वास्तव में विज्ञान का विषय है, ना कि धर्म और आस्था का विषय। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश और समान रूपी विकिरणें गतिमान विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की क्रिया से बनती हैं, जिनका संचालन तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के छोटे छोटे पुलिंदों से बनता है, जिन्हें फोटोन्स कहते हैं। इस गुण विशेषता को तरंग कण द्वयात्मकता कहा जाता है। प्रकाश तरंगों और कणों दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का स्वरूप द्वैत आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं जब विद्युत क्षेत्र नीले बाणों से दर्शित जुड़ता है चुंबकीय क्षेत्र से लाल बाणों से दर्शित। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के और तरंग की दिशा के अनुलंब होते हैं। जब आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं या माइक्रोवेव अवन में खाना बनाते हैं, तब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। यद्यपि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नाना श्रेणियों की तरंग दैर्ध्यों का परिसर है, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, परंतु हमारी आँखें संवेदनशील हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की सिर्फ एक संकीर्ण धारा की। चूँकि इस संकीर्ण धारा की तरंग दैर्ध्यों की मदद से हम देखते हैं, हम इसे दृष्टिमय प्रकाश वर्णक्रम कहते हैं। सामान्यतः संपूर्ण दृष्टिमय तरंगें एक साथ श्वेत प्रकाश के रूप में दिखती हैं, किंतु जब इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराया जाता है, तब ये श्वेत प्रकाश टूटकर बिखरता है सात रंगों के दृष्टिमय प्रकाश वर्णक्रम में। वायुमंडल में जल वाष्प भी प्रकाश को तोड़कर सतरंगी इंद्रधनुष बिखेर देता है। मनुष्य की आँखें अनुक्रियाशील है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों की, जो कि लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम मात्रक की श्रेणी में है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी की सबसे आवश्यक जैविक प्रक्रियाओं में से एक है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपभोग से ऑक्सीजन पैदा करने वाली इस क्रिया ने पृथ्वी को एक सत्कारशील वातावरण में रूपांतरित किया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रकाश संश्लेषण पूर्ण करता है हमारी सारी खाद्य आवश्यकताओं और बहुत सी जरूरतों को भी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में जो ऊर्जा संग्रहित है, वो सब सूर्य से आई है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण से उपजात ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है सांसारिक जैविकी के लिए, और वास्तविकता में संपूर्ण वायुमंडल की ऑक्सीजन ऐसे ही उत्पन्न हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, किंतु ऊर्जा से हमारा क्या अभिप्राय है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश क्या कार्य करता है? वो प्रदीप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो सर्जित की जा सकती है और ना ही नष्ट। ऊर्जा सिर्फ रूपांतरित की जा सकती है अपने एक रूप से किसी दूसरे रूप में। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है किसी एक रूप की ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण से।
सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बिजली चमकने के साथ विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बादलों के गरजने से वायु में आवेशित अणुओं का टकराव प्रकाश उत्पन्न करता है। अग्नि रूपांतरित करती है ऊष्मा या कह लें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। वैज्ञानिकता से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर के ताप से वस्तुएं चमक उठती हैं और दृष्टिमय प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे हम तापदीप्त प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ने सदियों से व्याख्यान और अवबोध को चुनौती दी है और प्रकाश को समझने की खोज चली जा रही है। शोध ने मूलतः दो सिद्धांतों को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि कई बार प्रकाश के व्यवहार से लगता है जैसे वो छोटे छोटे गोली नुमा कणों से बना है। वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं क्वांटा या फोटॉन्स। वहीं दूसरी ओर कई बार प्रकाश के व्यवहार से लगता है जैसे वो एक निरंतर तरंग है। तो क्या है प्रकाश, एक कण है या फिर एक तरंग है? उत्तर है दोनों ही या कोई नहीं। वैज्ञानिक आश्वस्त नहीं। एक बार एक वैज्ञानिक सर विलियम ब्रैग, उन्होंने मजाक में कभी सुझाया था कि प्रकाश एक तरंग है सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, और कण है मंगलवार गुरुवार और शनिवार को, और इतवार को प्रकाश आराम करता है विरोधाभास और रहस्य के संग। प्राचीन भारत में करीब पहली शताब्दी ईसा पूर्व विष्णु पुराण में सूर्य प्रकाश का सतरंगी सूर्य किरणों के रूप में उल्लेख मिलता है। बाद में 499 ईसा उपरांत आर्यभट्ट ने लिखा कि चंद्रमा और ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वे सूर्य प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। प्राचीन ग्रीस करीब 300 ईसा पूर्व यूक्लिड ने ऑप्टिका लिखा, जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने आधारित किया कि प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। करीब दूसरी शताब्दी ईसा उपरांत टॉलेमी ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिखा और दृष्टि के सिद्धांत विकसित किए। करीब 965 से 1040 ईसा उपरांत अरबी वैज्ञानिक अल हैजन ने यथोचित प्रकाश और दृष्टि के स्पष्टीकरण का विस्तृत सिद्धांतीकरण किया। अल हैजन को आधुनिक प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। पियर गसांता एक परमाणुवादी वैज्ञानिक ने कणिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो 1660 के दशक में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। आइजैक न्यूटन ने उनके सिद्धांतों को कम उम्र में ही पढ़ा। 1660 के दशक में न्यूटन ने एक क्लासिकी प्रकाश प्रयोग प्रदर्शित किया। उन्होंने प्रकाश की किरण को प्रिज्म से पार कराया, जिससे सतरंगी स्पेक्ट्रम उत्पन्न हुआ। ध्यान से इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर न्यूटन स्पष्ट कर पाए कि श्वेत प्रकाश वास्तव में एक संयुक्त चीज है, सारे रंगों का मिश्रण है। न्यूटन ने आगे और सिद्धांतीकरण किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। न्यूटन ने उन्हें कॉर्पसल्स नाम दिया। 1660 के दशक में न्यूटन के समवयस्क रॉबर्ट हुक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाशित किया, जिससे दोनों वैज्ञानिकों के बीच बहस और प्रतिद्वंद्व शुरू हुआ। 1678 में क्रिश्चियन ह्यूगन ने अपना अलग तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया। बाद में 1801 में थॉमस यंग के दोहरे रेखा छिद्र प्रयोग ने उनके सिद्धांत को प्रमाणित किया। 1847 में माइकल फैराडे ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश एक तीव्र आवृत्ति विद्युत चुंबकीय कंपन है। फैराडे के कार्य ने जेम्स मैक्सवेल को प्रेरित किया। 1873 में उन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का पूर्ण गणितीय वर्णन प्रकाशित किया, जो मैक्सवेल के समीकरण के नाम से जाना जाता है। शीघ्र ही हेनरिक हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में रेडियो तरंगों का उत्पादन और अध्ययन करके मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने विद्युत चुंबकीय किरणों के गुणधर्मों को भी दर्शाया। मैक्सवेल के सिद्धांतों और हर्ट्ज के प्रयोगों से प्रत्यक्ष ही विकसित हुए आधुनिक रेडियो, रेडार, टेलीविजन और वायरलेस संचार। अगर प्रकाश किसी पूर्ण कृष्णिका पृष्ठ पर पड़ता है तो वो परावर्तित नहीं होता, बल्कि प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा उष्म ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगर निर्देशित प्रकाश में इतनी ऊर्जा है कि वो कृष्णिका पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करवा पाए तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टाइन ने इस गुत्थी को सुलझाया।
इस बार कणिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना करके प्रेक्षित प्रभाव को स्पष्ट किया। आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। 1900 में मैक्स प्लैंक ने कृष्णिका विकिरण के नए सिद्धांत की खोज की। उनके सिद्धांत का आधार था कि कृष्णतर क्षेत्रों से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है विशेष ऊर्जा के पुलिंदों के रूप में, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। प्लैंक को 1918 में क्वांटम सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1922 में भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के आणविक विवरणन पर अपने कार्य को प्रकाशित किया, जिसके आधार पर उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की। रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए। प्रकाश के मुख्य रूप से तीन विशेषताएं हैं, तीव्रता या चमकीलापन, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ध्रुवन या प्रकाश तरंग दोलन की दिशा। प्रकाश यात्रा कर सकता है निर्वात में, मतलब बिना किसी माध्यम के। प्रकाश यात्रा करता है सीधी रेखाओं में। प्रकाश की चाल गति अचल है निर्वात में। 3×10⁸ meters per second यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का परावर्तन एक आम घटना है रोजमर्रा के जीवन में। जब किसी चमकीली सतह जैसे चिकनी धातु या दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तन घटित होता है, यानी प्रकाश आगे बढ़ने की दिशा बदलकर पलट जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, कह लें हवा से शीशे में यात्रा करता है, तब भी वो आगे बढ़ने की दिशा बदल देता है, किंतु यहाँ वो दूसरे माध्यम में यात्रा कर रहा होता है। इस घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। ह्यूगन के नियम के अनुसार विवरणन प्रकाश तरंगों का किसी धार से टकराकर या रुकावट से टकराकर मुड़ने की क्रिया है। इस घटना का उदाहरण है परछाई। अगर आप ध्यान से देखें तो परछाई के किनारे ठोस ना होकर थोड़े धुंधले होते हैं। थॉमस यंग के दोहरे छिद्र प्रयोग के प्रमाण के बाद प्रकाश को तरंग के रूप में मान्यता मिली। व्यतिकरण वो घटना है जब दो किरणपुंज आपस में मिलते हैं। दोनों किरणपुंज मिलकर एक चमकदार किरणपुंज पैदा करते हैं, या फिर व्यतिकरण इस प्रकार से होता है कि कम चमकदार किरणपुंज पैदा हो। पहले प्रसंग को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं और दूसरे को विध्वंसात्मक व्यतिकरण। ध्रुवण प्रकाश तरंगें अनेक दिशाओं में कंपन करती हैं। वो जो एक दिशा में कंपन कर रही हैं, एक ही तल में जैसे ऊपर और नीचे, तो उन्हें ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। परंतु वो जो एक से अधिक दिशा में कंपन कर रही हैं, एक से अधिक तल में जैसे ऊपर और नीचे और आगे और पीछे, तो उन्हें अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। वैसे मानवीय प्रकाश की कुछ रहस्यमय विशिष्टताएं और जादुई अभिव्यक्तियां हैं। इस अध्याय में जानेंगे प्रकाश के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों को। एक बहुत ही मायावी गुणवत्ता है प्रकाश की, कि भले ही वो हर चीज को दृष्टिमय बनाता है, किंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य है। आप हर चीज को प्रकाश में देख सकते हैं, किंतु आप प्रकाश को नहीं देख सकते। उसे महसूस कर सकते हैं जब वो किसी चीज से परावर्तित होता है और वो चीज प्रकाशमय दिखती है, या फिर आप उस स्रोत देख सकते हैं। इसीलिए सारे अंतरिक्ष में अंधकार है। आप अंतरिक्ष में प्रकाश के स्रोत देख सकते हैं या चमकती चीजें। इसके परे अंतरिक्ष में घना अंधेरा है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं है। प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश को 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं यात्रा करने के लिए सूर्य से पृथ्वी तक। ये दूरी है 93 मिलियन मीलों की, यानी 15 करोड़ किलोमीटर्स की। जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो वो दिखता है जैसा वो 1.5 सेकंड पहले था। अगर आप ध्रुव तारे पोलारिस को देखें, जो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, उस तारे को आप देख रहे हैं 1000 वर्ष बाद। प्रकाश जो उस तारे से निकला आप तक पहुंचा आज पूरे 1000 वर्ष की यात्रा के बाद। वो तारा अब शायद वहाँ ना हो, हमें नहीं पता,
हमें सिर्फ इतना पता है कि 1000 साल पहले वो कुछ ऐसा दिखता था। ओके, तो ये था प्रकाश आपके लिए इस भाग में। आशा है प्रकाश में रहा। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में प्रकाश एवं दृष्टि दीर्घा विशिष्ट रूप से अभिकल्पित है प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए। आइए जानिए, अनुभव कीजिए और आनंद लीजिए प्रकाश के विज्ञान का।